महाराष्ट्र में साधु संतों पर हमले की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। पिछले दिनों ही महाराष्ट्र के पालघर में हुई संतों की हत्या मामले में अभी तक ढंग से इंसाफ तक नहीं मिला था कि औरंगाबाद से एक और ऐसी ही वारदात को अंजाम दिया गया। और इस बार संत प्रियदर्शन महाराज पर करीब 7 से 8 अभियुक्तों ने चाकू से हमला कर दिया। क्या है पूरा मामला, हमारे इस खास रिपोर्ट में देखिए। पालघर में हुई संतों की हत्या का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि अब महाराष्ट्र के औरंगाबाद से एक और ऐसी ही वारदात सामने आ गई है। दरअसल संत प्रियशरण महाराज पर जिले के चौक परिसर के लाड सावंगी मार्ग पर स्थित उनके आश्रम में घुसकर हमला किया गया। हमलावर करीब 7 से 8 की तादाद में थे। इन्होंने आश्रम में घुसने के लिए पहले उनकी कड़ी तोड़ी और फिर संत से मारपीट करके उनके कंधे पर चाकुओं से वार कर दिया। हैरानी की बात तो ये है कि यह लोग कोई चोर नहीं थे, ये सिर्फ संत को मारने और धमकाने के लिहाज से आए थे। उन्होंने संत प्रियशरण महाराज को जान से मारने की धमकियां भी दी थी। बता दें कि पूरी घटना बुधवार की है। फुलवारी पुलिस अब जांच करने में जुटी है कि आखिर ये लोग थे कौन। अभी तक पुलिस को मारपीट का कारण पता नहीं चल सका है, और तो और पुलिस यह पता लगाने में भी असमर्थ है कि महाराज से उपद्रवियों की आखिर क्या दुश्मनी थी। चौका क्षेत्र में सताल शिवरा में राधे गोविंद सेवा मिशन नाम का एक आश्रम है। राधा गोविंद सेवा आश्रम में बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। पुलिस के मुताबिक प्रियशरण महाराज राजस्थान के मूल निवासी हैं। उन्होंने पिछले कुछ सालों से क्षेत्र में एक आश्रम शुरू किया और अब वहां वे एक गौ सेवा आश्रम भी चलाते हैं। उनके आश्रम में कई सेवक सेविकाएं हैं। घटना वाले दिन जब हमलावर आश्रम में घुसे तो उन्होंने पहले एक महिला को धमकाया, इसके बाद उससे महाराज का पता पूछा और फिर उनके साथ मारपीट की। इस दौरान महाराज और हमलावरों में हाथापाई भी हुई जिससे वह घायल हो गए। हमलावरों ने प्रियशरण महाराज के कंधे पर चाकू से हमला किया। महाराज को बाद में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इससे पहले भी महाराष्ट्र के पालघर में 16 अप्रैल को तकरीबन 200 लोगों की भीड़ ने 3 लोगों को कथित तौर पर चोर समझकर मौत के घाट उतार दिया था, जिसमें से 2 साधु और 1 उनका ड्राइवर शामिल था। यह पूरी घटना वहां मौजूद कुछ पुलिस कर्मियों के सामने हुई थी और अब ऐसी ही इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली वारदात महाराष्ट्र में फिर से दोहराई गई। इस सभी के बाद सवाल सिर्फ ये उठता है कि आखिर महाराष्ट्र सरकार कब तक इन घिनौनी वारदातों पर चुप्पी साधे रखेगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।